राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर पूरे विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर आज जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी को युवराज बताते हुए उनकी तुलना एक स्टार्टअप से की और उनको नॉन स्टार्टर करार दिया। युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है, अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। दो दिन पहले लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को एक ऐसा प्रोडक्ट बताया था जिसकी वजह से कांग्रेस की दुकान बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। राज्यसभा में नरेंद्र मोदी के शब्दबाण यही नहीं थमे, उन्होंने कांग्रेस के दूसरे नेताओं पर हमला बोला, जिसमें हमेशा की तरह इस बार भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम शामिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को आरक्षण विरोधी बताया। साथ ही ये भी दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू को आरक्षण पसंद नहीं था, इसके लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के एक बयान का भी हवाला दिया। अगर एससी एसटी ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये छोड़ना पड़ रहा हूं। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी के आरोप यही नहीं थमे, उन्होंने एक के बाद एक कई आरोप कांग्रेस की पुरानी सरकारों पर लगाए। गुजरात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने आपदा के समय भी गुजरात का हाल नहीं पूछा। प्रधानमंत्री ने HAL, BSNL और MTNL जैसी सरकारी कंपनियों को बर्बाद करने का भी आरोप कांग्रेस पर लगाया। साथ ही कांग्रेस को दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का विरोधी बताया। राज्यसभा में 90 मिनट लंबे भाषण के दौरान कई हल्के फुल्के पल भी आए, लेकिन हंसी के बहाने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेताओं की चुटकी ली। और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के 400 पार वाले बयान का जिक्र करते हुए उसे उनका आशीर्वाद बताया। खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया, खड़गे जी के आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। कांग्रेस के साथ साथ प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन में मची खलबली का भी जिक्र किया और ममता बनर्जी के 40 सीट वाले बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। मैंने भी एक प्रार्थना की, पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाए, 40 पार नहीं कर पाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और इमरजेंसी का भी मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए उन्होंने फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटने का दावा किया। साथ ही विकसित भारत के अपने संकल्प को भी दोहराया और मोदी ने 3.0 का नारा बुलंद करते हुए ऐलान किया कि अब देश में मोदी गारंटी चलेगी। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने पर विपक्ष के एतराज को भी मजबूती से दरकिनार किया। कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, क्यों कहीं दोबारा वहाँ मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना उसको ज्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपक न जाए। पहले लोकसभा और अब राज्यसभा में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को घेरते हुए लोकसभा चुनाव की बिसात बिछा दी है। प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा में दिए जवाब पर कांग्रेस ने पलटवार किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के दौर की खामियां गिनाई तो कांग्रेस ने बीजेपी को अपना इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली और आरोप लगाया कि बीजेपी का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। सत्तारूढ़ पार्टी जो आज देश चलाते हैं उनकी पूर्वजों ने ब्रिटिश हुकूमत को और ताकतवर मजबूत बनाने की पैरवी करते थे। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पीएम मोदी पर संसद के अंदर झूठ बोलने का आरोप लगाया। चुनाव में जैसे झूठे वादे किए जाते हैं झूठ बोला जाता है, संसद में अगर प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे तो कैसा चलेगा। शिवसेना यूबीटी ने जवाहरलाल नेहरू पर पीएम मोदी के बयान पर भी तंज कसा। मैंने इतना बड़ा फैन जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं देखा होगा जितना प्रधानमंत्री जी हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के भाषण में 10 साल की उपलब्धियां कम और कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना ज्यादा था। संसद के बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पहले बजट सत्र 9 फरवरी तक ही चलना था लेकिन अब शनिवार 10 फरवरी तक सदन की कार्यवाही चलेगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार 10 फरवरी को संसद के दोनों सदनों में यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र लाएगी। इस श्वेत पत्र के जरिए बताया जाएगा कि यूपीए के 10 साल के शासन में आर्थिक कुप्रबंधन से देश को कितना नुकसान हुआ। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि कैसे मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी। श्वेत पत्र लाने की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण के दौरान दी थी। श्वेत पत्र में 2004 से 2014 के बीच यूपीए के कामकाज और 2014 से 2024 तक एनडीए के कामकाज का तुलनात्मक ब्यौरा दिया जाएगा। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से ये बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल यानी समान नागरिक संहिता से जुड़ा बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है। अब ये बिल मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास जाएगा और उसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। बिल पास होने के साथ ही उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बिल पास होने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बराबरी के अधिकार का वर्षों पुराना इंतजार अब खत्म हुआ। पुष्कर धामी का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से लाया गया ये बिल माताओं बहनों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है। यूसीसी बिल आज उत्तराखंड में विधानसभा से पास हुआ। ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार पेश होना ही पड़ेगा, लेकिन ईडी के सामने नहीं, अदालत के सामने। दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को आज बड़ा झटका दिया और आदेश जारी किया कि अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी को कोर्ट के सामने हाजिर हों। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में ईडी की याचिका पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने पेशी का आदेश सुनाया। आज सत्यमेव जयते कह सकते हैं, सत्य की जीत हुई और केजरीवाल जी के प्रोपेगेंडा झूठ विक्टिम और कार्ड की हार हुई। अरविंद केजरीवाल जी आज आपको नैतिक तौर से इस्तीफा देना चाहिए। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 5 समन भेजे थे लेकिन वो किसी भी समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। साल के बाद भी एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई, एक ठोस सबूत नहीं मिल रहा है इनको। तो मेरे ख्याल से बीजेपी खुद बौखला रही है कि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा प्लान है उनको अब फेल होते हुए दिखता है। ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है लेकिन उन्होंने ईडी के समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने ईडी की छापेमारी पर सवाल उठाते हुए जांच एजेंसी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आपका दावा है कि कल अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी के घर पर हुई छापेमारी में ईडी ने ये तक नहीं बताया कि वो किस मामले में छापेमारी करने आई थी। साथ ही अधिकारियों ने ना कोई पूछताछ की और ना कोई तलाशी ली और 16 घंटे में ईडी के अफसर विभव जी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे। पूरी दुनिया में, पूरी मीडिया में तमाशा चलता रहा कि रेड चल रही है, रेड चल रही है, रेड चल रही है, लेकिन ना कोई कागज देखे, ना कोई सर्च एंड सीजर किया, ना कोई पूछताछ करी। आम आदमी पार्टी का ये भी आरोप है कि ईडी ने अपने पंचनामा में ईसीआईआर यानी केस की एफआईआर तक का जिक्र नहीं किया। ये शायद ईडी के इतिहास में पहली बार होगा
कि छापा पड़ गया, 16 घंटे चल गया, लेकिन लिखित में ये कहीं नहीं दिया कि किस केस पर छापा मारने आए हैं। पार्टी का दावा है कि ईडी के अधिकारियों को घर से कुछ भी नहीं मिला। सीएम के पीएस के 2 जीमेल के अकाउंट्स का डाउनलोड लिया, उन्होंने सीएम के पीएस और उनके परिवार के 3 फोन लिए। ये था 16 घंटे का छापा। ईडी ने कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता सहित कई नेताओं के घर पर छापेमारी की थी। ईडी ने आधिकारिक तौर पर तो छापेमारी की डिटेल नहीं दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले से जुड़े मामले में छापेमारी की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जांच एजेंसियां अब खुलकर अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम कर रही हैं। खुले आम सारे नकाब उतार के, सारे दिखावे खत्म करके अब ईडी को सिर्फ एक काम पे लगा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के आसपास के सारे नेताओं को, सारे काम करने वालों को जेल में डाल दो। पार्टी का आरोप है कि सीबीआई और ईडी के छापे और समन निराधार आरोपों के बिना पर हो रहे हैं। पहले ये तय होता है कि किसको जेल में डालना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि किस केस के तहत डालना है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है। आपने इस मामले में पीएम मोदी को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि वो अरविंद केजरीवाल से घबराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता, कोई एक नेता है जो लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाता है, वो नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने छापों और गिरफ्तारियों को गुंडागर्दी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 2 साल हो गए जांच करते करते, एक नया पैसा या कोई सबूत नहीं मिला। ये देश कानून और संविधान से चलता है। भारत देश किसी की बपौती नहीं है। ये देश 140 करोड़ लोगों का है। इस किस्म की गुंडागर्दी लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई को सियासी बदला बताया। ईडी पर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि जब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के घर पर रेड हुई थी, तब भी आपने कहा था कि कुछ नहीं मिला। इसलिए ईडी जो भी बताएगा वो कोर्ट में बताएगा कि रेड में क्या रिकवरी हुई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सनसनी फैलाने का आरोप लगाया। कोर्ट और कानून अपना काम कर रहा है, उसको काम करने दीजिए। इस तरह की जो बातें फैला के कि हमें कुछ नहीं मिला, सनसनी फैलाने की कोशिश मत करिए, लोग आपकी बातों में नहीं आएंगे। बीजेपी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। वो कितना ही भागने की कोशिश करें, बचेंगे नहीं, ये केजरीवाल को भी मालूम है। और दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि एक ऐसा छल प्रपंच वाला व्यक्ति जो है शायद ही कोई मिलेगा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के सांसद से लेकर पार्षद तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले पर ईडी ने अब कार्रवाई की है। ईडी ने जारी किया है बयान, ठेके के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। बड़ी खबर इस समय की, दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा को मामले की जानकारी थी। काम के बदले चीफ इंजीनियर को मिले पैसे, ईडी के पास लेन देन के सबूत है। घूस के पैसे को आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को बांटा गया। घूस के पैसे को आपके चुनाव फंड में भी ट्रांसफर किया गया। ये ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली जल बोर्ड के जो चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा है, उनको इस पूरे घोटाले की जानकारी थी। काम के बदले चीफ इंजीनियर को पैसे मिले हैं, ईडी के पास इस लेन देन के सबूत मौजूद हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ाई गई। जमीन घोटाला केस में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। रांची की पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब संसद की कार्यवाही 10 फरवरी तक चलेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार श्वेत पत्र लाने की तैयारी कर रही है। इस श्वेत पत्र में 2014 से पहले और उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था में आए बदलावों की तुलना की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा की।
इस दौरान मेट्रो में सफर कर रही छात्राओं और लोगों ने राष्ट्रपति के साथ फोटो भी खिंचवाई। यात्रा के दौरान डीएमआरसी के अफसरों ने उनको मेट्रो संचालन के बारे में भी जानकारी दी। मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस के लिए अगले महीने तक रवाना हो जाएगी। ये भारत का पहला बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट है। जनवरी 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइलों पर समझौता हुआ था। बिहार में बहुमत परीक्षण से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंचे। बिहार में सत्ता परिवर्तन और वहां जारी उठापटक के मद्देनजर नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली पहुंचकर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तीनों नेताओं के साथ नीतीश कुमार की लंबी बातचीत भी हुई। बताया जा रहा है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के साथ आने के बाद क्या 2019 चलिए सब बाद में बताएंगे। सीट की बात बीजेपी में सब कुछ ठीक है ना? सीट वगैरह की बात के बारे में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है, वो तो सब होगी ही और सब बात सबको उन लोगों को शुरू से मालूम है, बाकी सब चीज का कोई खास बात नहीं। उत्तराखंड में तो ये तीन तस्वीरें आप देखिए, आज नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी को ही असली एनसीपी मानने के बाद शरद पवार ने अपने गुट का नाम बदल लिया है। शरद पवार गुट का अब नाम होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, यानी एनसीपी शरद चंद्र पवार। आज ही शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग को तीन नामों का विकल्प दिया था। एनसीपी शरद पवार, एनसीपी शरद चंद्र पवार और एनसीपी शरद राव पवार का विकल्प था। तीन नामों में से एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम को फाइनल कर दिया गया है, यानी अब शरद पवार गुट इस नए नाम के साथ जनता के बीच जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने वट वृक्ष को अपने चुनाव चिन्ह के तौर पर मांगा था, हालांकि उस पर क्या फैसला हुआ इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये वही पार्टी है जो 25 साल पहले शरद पवार ने बनाई थी और आज उनके भतीजे ने उनको उसी पार्टी से बेदखल कर दिया। 10 जून 1999 को शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने मिलकर एनसीपी का गठन किया था। उस समय तीनों नेताओं ने सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का विरोध किया था, जिसके चलते कांग्रेस ने तीनों नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि 2004 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए 1 की सरकार बनी तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी गठबंधन का हिस्सा बनी। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार में शरद पवार केंद्र सरकार में कृषि मंत्री रहे, साथ ही 2014 तक महाराष्ट्र में भी एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल रही। अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन में शिवसेना भी जुड़ गई और तीनों ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ दिया और कांग्रेस एनसीपी शिवसेना गठबंधन की सरकार गिर गई। इसके बाद जुलाई 2023 में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी और पार्टी तोड़कर बीजेपी शिवसेना गठबंधन में शामिल हो गए। उसके बाद से ही शरद पवार और अजीत पवार गुट के बीच एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई चल रही थी। कल चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी मानते हुए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी उनको दिया और इस तरह 25 साल बाद शरद पवार अपनी ही बनाई पार्टी से बाहर हो गए। कर्नाटक की पूरी सरकार आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपनी कैबिनेट के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि टैक्स देने में अव्वल रहने के बावजूद केंद्र सरकार कर्नाटक को उसका हिस्सा नहीं दे रही है। कर्नाटक इज द सेकंड बिगेस्ट लार्जेस्ट स्टेट व्हिच इज गिविंग हाईएस्ट रेवेन्यू टू दिस कंट्री। वी आर आस्किंग फॉर आवर राइट्स, वी आर आस्किंग फॉर आवर शेयर। प्रदर्शन में कर्नाटक के मंत्रिमंडल के साथ कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। खुद सीएम सिद्धरमैया हाथ में बैनर लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते दिखे। उन्होंने बताया कि कर्नाटक ने इस साल 4,00,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स दिया। कर्नाटक स्टेट इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 4,30,000 टैक्स। मुख्यमंत्री का आरोप है कि केंद्र सरकार कर्नाटक को उसके हिस्से का पैसा नहीं दे रही है। इफ यू कलेक्ट 100 रुपीस एंड गिविंग इट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी आर गेटिंग बैक Only 12 to 13 rupees. केंद्र के खिलाफ हुंकार भरते हुए विधायकों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए।
दिल्ली के जंतर मंतर पे कर्नाटक सरकार केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी तो संसद में बीजेपी के सांसद राज्य सरकार के खिलाफ लामबंद थे। इन सांसदों का आरोप है कि सिद्धारमैया सरकार ने राज्य में आए फंड का गलत इस्तेमाल किया। सांसदों के मुताबिक फंड की कमी की वजह से कांग्रेस सरकार अपनी मुफ्त योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रही, इसलिए प्रदर्शन का नाटक रचा गया है। There is no fund. So to put the blame on the central government, they are making a drama. बेंगलुरु में भी बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार को घेरा। राज्य में किसानों को लेकर बनाई गई नीतियों का विरोध करने के लिए बीजेपी नेता विधानसभा के बाहर जमा हुए। कर्नाटक के बाद कल एक और दक्षिण भारतीय राज्य की सरकार दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। बताया गया कि केरल के मुख्यमंत्री भी वित्तीय अन्याय का आरोप लगाते हुए अपनी कैबिनेट के साथ प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के बाद अब ओडिशा पहुंच गई है, लेकिन यहां कुछ अलग तस्वीर दिखाई दी। राहुल गांधी यात्रा से पहले राउरकेला में सुंदरगढ़ के वेदव्यास मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष पूजा की। ओडिशा में न्याय यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी राउरकेला के सुंदरगढ़ में स्थित वेद व्यास मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर राहुल गांधी आरती में शामिल हुए। इसके बाद राहुल गांधी ने गर्भगृह से बाहर आकर जल चढ़ाया। फिर राहुल गांधी वेदव्यास मंदिर में ही एक गुफा के पास पहुंचे, जहां भगवान गणेश विराजमान थे। माथे पर तिलक और हाथों में फूल लिए बैठे राहुल गांधी ने यहां भी विधि विधान से पूजा की। पूजा के बाद राहुल गांधी ने पुजारी से भी बात की। हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे पुजारी उस जगह की मान्यता के बारे में राहुल गांधी को कुछ बता रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा अब 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जहां समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके साथ न्याय यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस ने उन्हें यूपी में न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, जिसे अखिलेश यादव ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी ने आज छापे मारे। ये छापेमारी उत्तराखंड के फॉरेस्ट लैंड घोटाला मामले में हुआ, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आरोपी हैं। ईडी की टीम ने आज 3 राज्यों में हरक सिंह रावत के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। देहरादून में ईडी की टीम अपने साथ प्रिंटर लेकर हरक सिंह रावत के घर पहुंची। ये छापेमारी फॉरेस्ट लैंड घोटाले में हुई। आरोप है कि हरक सिंह रावत के कार्यकाल में अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई हुई। भारतीय वन सर्वेक्षण का दावा है कि जिम कॉर्बेट के पाखरू रेंज में पेड़ काटे गए। वन सर्वेक्षण के मुताबिक 163 पेड़ काटने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन पाखरू रेंज में 6,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए और टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के नाम पर वहां अवैध निर्माण करवाया गया। इस मामले में उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई अधिकारियों के खिलाफ जांच की जा रही है। हरक सिंह रावत जब उत्तराखंड में वन मंत्री थे, तब प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार थी। उन्हें अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से निष्कासित कर मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। केंद्र सरकार रोहिंग्याओं की घुसपैठ रोकने और भारत म्यांमार सीमा को अभेद्य बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी कि घुसपैठ रोकने के लिए पूरी भारत म्यांमार सीमा पर कंटीली बाड़ लगाई जाएगी। भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा है और पूरी सीमा पर बाड़ लगाने की योजना है। गृहमंत्री ने यह भी बताया कि कटीली बाड़ के साथ साथ सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग के लिए ट्रैक भी बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मणिपुर में म्यांमार से सटी 10 किलोमीटर लंबी सीमा पर कटीली बाड़ लगाई भी जा चुकी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में 2 जगहों पर बाड़ लगाने के साथ हाइब्रिड सर्विलेंस सिस्टम लगाने के पायलट प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अमित शाह ने बताया कि मणिपुर में म्यांमार से सटी 20 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने की योजना को मंजूरी दी जा चुकी है। कुछ महीने पहले मणिपुर में भड़की हिंसा के दौरान बड़ी तादाद में म्यांमार से उग्रवादियों की घुसपैठ के आरोप लगे थे। यूएई ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया। यूएई ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। गोल्डन वीजा धारक यूएई में 10 साल तक रह सकता है। इससे पहले अभिनेता शाहरुख खान, संजय दत्त समेत कई बड़ी हस्तियों को गोल्डन वीजा मिल चुका है। यूएई ने 2019 से गोल्डन वीजा देने की शुरुआत की थी। चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। ये जानकारी उनके कार्यालय ने मीडिया को दी। सेबेस्टियन पिनेरा की मौत पर लैटिन अमेरिकी देशों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। चिली के मौजूदा राष्ट्रपति बोरिक ने पूर्व राष्ट्रपति की मौत पर चिली में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास तहखाने में पूजा अर्चना रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी को होगी। व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दिए जाने के विरोध में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है।
पंजाब पुलिस ने कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह लांडा और पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के तीन साथियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मंशा थी कि सिर्फ अयोध्या काशी मथुरा वृंदावन का विकास ही अवरुद्ध किया गया। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि ये काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने बयान में काशी मथुरा की तरफ भी इशारा कर दिया। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा वे हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। तो ये थी खबरें 7 बजे की, कल फिर होगी बात पते की। तब तक के लिए नमस्कार। Zee News।